एवरीवन वेलकम टू सीपी क्लासेस तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लाउड बर्स के बारे में एंड साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे कि आर दीज इवेंट्स यानी कि क्लाउड बर्स ऑन द राइज या इन फ्यूचर क्या ये इवेंट्स जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो न्यूज में ये क्यों आया है इवेंट कि लास्ट थ्री डेज में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हुई है यानी कि मॉनसून जो है इस बार बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग मॉनसून हो गया है विद हेवी डाउनपोर सिमिलर कंडीशन जो है अगर हम देख रहे हैं पाकिस्तान में भी प्रिवेल कर रही है एंड फ्लडिंग का वहां पे बहुत ज्यादा आ रहा है बट इंडिया की जो परस्पेक्टिव में हम बात करें तो क्लाउड बर्स एंड फ्लैश फ्लड के जो इवेंट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं सो so अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिकली हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड एंड इवन जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट है वहां पे भी बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स जो है एक्सपीरियंस किए इस साल सो अब क्यों क्योंकि हेवी रेनफॉल हुई है जिससे लैंड

सारी कंडीशंस है वो कंडीशन डिस्कस करते हैं कि जब 10 सेंटीमीटर से या उससे ज्यादा रेनफॉल हो जाती है किसी एक 10 बाय 10 किलोमीटर के एरिया में विद इन एन आवर सो उसे हम क्लाउड बस्ट इवेंट जो है घोषित करते हैं एंड सिमिलरली किसी 5 बाय 5 किलोमीटर के एरिया में 5 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो जाए विद इन अ स्पैन ऑफ हाफ एन आवर उसे भी क्लाउड बस्ट कहा जाएगा इसके अलावा हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में 116 सेंटीमीटर एवरेज जो रेनफॉल है ईयरली वो होती है सो so, इसका अगर 10 परसेंट यानी कि 116 सेंटीमीटर का 10 परसेंट अब एक घंटे के अंदर अंदर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे उतनी ही बारिश हो जाए सो so, उसको भी क्लाउड एक्टिविटी कहा जाएगा सो so, अब हाउ कॉमन आर दीज क्लाउडबर्स तो बहुत ज्यादा कॉमन इवेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू मॉनसून हिमालयन स्टेट की जब हम बात करें हाइट की वजह से या जोग्राफिकल टेरेन की वजह से जिसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं विंड कंडीशन की वजह से टेम्परेचर की वजह से क्लाउड क्लाउडबर्स जो है बहुत ज्यादा कॉमन हो जाते हैं एंड बहुत ही ज्यादा लोकलाइज भी हो जाते हैं सो so, अब कुछ कुछ ऐसी एरियाज भी हैं जिनके अगर हम कहें जहां पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अभी भी अवेलेबल नहीं है सो so, वहां पर भी क्लाउड क्लाउडबर्स एक्टिविटीज होती होंगी जो कि मेजर नहीं होती बट उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं क्योंकि एक सडन डाउन होता है जिससे डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो रही है जिन्हें क्लाउड बस्ट कहा जाता है इन हिली एरियाज एज वेल सो अब

साथ ही साथ जो प्रोडिक्शन की जाती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट की जाती है कि इस इस स्टेट में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होगी यहाँ पे ड्राई स्पेल्स होंगे सो so, एक रिलेटिवली लार्ज जोग्राफिकल एरिया है सो so, एक पर्टिकुलर शहर की जब हम बात करें उसका एक वेदर को या अगर हम बात करें उसके क्लाइमेट को डिटेक्ट करना या उसे प्रोडिक्ट करना तीन या चार दिन एडवांस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो स्पेसिफिक क्लाउड बर्स्ट इवेंट जो है उन्हें फोरकास्ट नहीं किया जा सकता सो नाउ विल टॉक अबाउट कि इवेंट्स इंक्रीजिंग इवेंट इंक्रीजेंगे आगे बढ़ेंगे फ्यूचर सो वी ऑल नो कि अब मॉनसून पैटर्न जो है वो भी चेंज हो रहे हैं जिस वजह से वी कैन सी कि पाकिस्तान में भी फ्लडिंग का इशू आ रहा है सो एक्सट्रीम रेनफॉल जो है ऑन द राइज है सो एज अ रिजल्ट इंक्रीज ड्राई स्पेल होंगे मॉनसून का जो स्पैन है वो छोटा हो जाएगा बट जो डाउन है बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा एंड साथ ही साथ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है वो भी बढ़ रही है रेनफॉल का टाइम जो है वो शॉर्ट स्पैन का है सो so, अब इसका क्या मतलब है क्लाइमेट चेंज जो है हम देख रहे हैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक्चुअली में सो अब इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं मान के चल सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स इन द नियर फ्यूचर माइट आल्सो बी ऑन द राइस सो बेसिकली अब क्लाइमेटिक चेंज जो है हम एक्चुअली में देख पा रहे हैं कि इन फॉर्म ऑफ चेंज मॉनसून पैटर्न्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियन वेदर के हो सकता है क्लाउड बर्स्ट इवेंट जो है आगे भी बढ़ते जाए सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच